तो ये है आपके ओइडोगोनियम। ओइडोगोनियम एक जो है एक प्रकार के एल्गल्स मेंबर्स हैं, यानी शैवालों के सदस्य हैं। अगर हम लोग इनके क्लासिफिकेशंस की बात करें तो यह एल्गी, क्लोरोफाइसी, ओइडोगोनियल्स, ओइडोगोनियेसी और ओइडोगोनियम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इनका अगर हम लोग क्या करें, थैलस स्ट्रक्चर्स देखें कि इनका जो है शरीर कैसा है। तो पहला है पॉइंट से हम लोगों का, थैलस इज मल्टी सेलुलर, यह क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। फिलामेंटस यानी तंतुनुमा होते हैं, और ये कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। क्या होते हैं, अनब्रांच्ड, यानी कि यह क्या होता है, अशाखित होता है। अगर हम लोग इनके पूरे बॉडी को देखें कि यह किस तरह से दिखता है हम लोगों को, तो यह कैसा होता है, फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ओइडोगोनियम जो है यह क्या है, फिलामेंटस सेल्स स्ट्रक्चर्स है। तो इस कंडीशंस में होता क्या है कि शरीर को जो है या थैलस बॉडी को जो है हम लोग क्या करते हैं, तीन हिस्से में कैटेगराइज करते हैं। एक जो है आपका एपिकल सेल्स होता है जो ऊपर की तरफ होता है, दूसरा है इंटरकैलरी जो बीच में होता है, और एक जो है लास्ट में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसल सेल्स कहते हैं। तो इस कंडीशंस में है क्या, एपिकल सेल्स और बेसल सेल्स में जो है कैप्सूल नहीं पाया जाता है। जितने भी सारे आपके इंटरकैलरी सेल्स हैं यानी कि बीच वाले सेल्स हैं, उसमें क्या होता है, टोपीनुमा संरचना पाया जाता है, कैप्सूल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिवीजन को ये क्या करता है, शो करता है। क्या करता है, डिवीजन को ये क्या करता है, शो करता है। तो जितना बार क्या होगा, सेल डिवीजन होता है, तो उसमें जो है उतने कैप्सूल्स का जो है निर्माण होता है। और इसमें हम लोगों को याद रखना है क्या, कि जो है आपके ओइडोगोनियम है ना, ओइडोगोनियम में क्या होता है, कौन सा क्लोरोप्लास्ट होता है, तो इसमें होता है रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, जो इसका क्या है, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स है। बाकी जो अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें, तो सेल वॉल जो होते हैं ना, वो तीन लेयर्स के बने होते हैं। आपके जो है पहला जो आउटर मोस्ट होता है वह काइटिन का बना होता है, मिडिल लेयर जो है पेक्टिन, और इनर लेयर जो है वह सेलुलोजिक होता है, ठीक है। जो अगर हम लोग क्या करें, फिलामेंट्स हो जो क्या है, मैच्योर ओइडोगोनियम है। अगर हम लोग उनके हिस्से को देखें, तो इसमें जो है सबसे पहला जो आपका आता है वो है सपोर्टिंग सेल्स, पारिनोइड्स है, क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, रिसेप्टिव स्पॉट है, ओगोनियम है, और कैप्सेल्स हैं जो कि इसका क्या है, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स है। किसका, ओइडोगोनियम का। दूसरा पॉइंट से कि फिलामेंटस जो है वह क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है तीन हिस्सों में। पहला हम लोगों का है वो है बेसल सेल्स, इंटरकैलरी सेल्स और एपिकल सेल्स, यानी कि शीर्ष कोशिका में विभक्त होती हैं, मध्य और जो आपका बेस यानी आधार वाला है। तीसरा है बेसल सेल्स फिलामेंट्स फंक्शंस एज द होल्ड फास्ट, यानी कि जो सबसे निचला वाला हिस्सा होता है ना, वह जो होता है क्या होता है, उनमें जो है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि किसी भी सबस्टैटम से, चाहे वो आपके रॉक्स हों, स्टोन हों, या लीफ हों, या पौधे के कोई भी टहनियाँ हों, वो क्या होती हैं, उसमें क्या होता है, वो उससे चिपक जाता है। तो ओइडोगोनियम का जो है ना, सबसे जो बेसल पोर्शंस होते हैं ना, वह कैसा होता है, तो फ्लैटेंट के साथ साथ जो है आपका कैची लीफ यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, किसी सबस्टैटम से वो चिपक जाते हैं, जिसको हम लोग होल्ड फास्ट कहते हैं। तो इस तरह से जो है ओइडोगोनियम क्या होता है, वो किसी एक जगह से जो है चिपके रहते हैं। अगला है कि ए सेल एट द टिप ऑफ द फिलामेंट्स इज नॉन एज द एपिकल सेल्स, यानी कि जो फिलामेंट्स यानी तंतु का जो है ना सबसे ऊपरी वाला सेल्स कहलाता है एपिकल सेल्स। इट इज़ सराउंडेड एट फ्री सर्फेस, यानी कि यह क्या होता है, इनका जो सर्फेस होता है ना, वह क्या होता है, स्फेरिकल होता है, राउंडेड होता है। पाँचवा है द सेल्स प्रजेंट बिटवीन द बेसल एंड एपिकल सेल्स, इंटरकैलरी सेल्स। कहने का मतलब कि जो एपिकल सेल्स हैं और आपके बेसल सेल्स हैं ना, इन दोनों के बीच में जो पाए जाते हैं आपके कौन से सेल्स, इंटरकैलरी सेल्स पाए जाते हैं। दे शो द टिपिकल सेल्स स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें क्या होता है, सेल्स स्ट्रक्चर हम लोग आसानी से देख सकते हैं। छठा है कि द टिपिकल सेल्स इज सिलिंड्रिकल, यानी कि जो सेल्स है ना ज़्यादातर वह कैसा होता है, सिलिंड्रिकल यानी कि बेलनाकार आकृति के होते हैं। सातवां पॉइंट है कि ए सेल वॉल इज थिक एंड थ्री लेयर्स, यानी कि जो है इनकी कोशिका भित्ति जो है ना वह क्या होती है, मोटी होती हैं और तीन लेयर्स की बनी होती है। इनर सेल वॉल्स क्या होता है, इसमें जो है सेल वॉल में जो है रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और जो है रन पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेल्स, यानी कि इसमें जो है किस प्रकार का इसका जालिकावत प्रकार का क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगला देखें कि द सेल्स इज यूनिन्यूक्लियेट, यह कैसा होता है, एकेंद्रकीय होता है। द न्यूक्लियस इज सिचुएटेड नियर द सेल वॉल्स एंड द हेल्ड एंड द डेलिकेट साइटोप्लाज्मिक स्टैंड्स, यहाँ पर क्या होता है, जो केंद्रक होते हैं ना यहाँ पर, वो क्या होते हैं, सेल वॉल से सटे हुए होते हैं। मेच्योर्स एंड ओल्ड सेल्स कप्सेप्ट एंड देयर अपर एंड द लेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ओइडोगोनियल्स। तो यहाँ पर जो है ओइडोगोनियम्स का जो है क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हम लोग देखें, कि इसमें क्या होता है, कैप सेल्स, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, कैप सेल
कैप्सूल पाया जाता है, उसके बाद रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जितना डिवीजन होगा उतना क्या होंगे हम लोगों के कैप्सूल्स बनेंगे। थ्री लेयर्स जो है पाए जाते हैं, आउटर पाए जाते हैं, मिडिल पाए जाते हैं और इनर पाए जाते हैं। सेल्स को हम लोग कितने हिस्सों में, तीन हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, आपका एपिकल सेल्स हो गया, इंटरकैलेरी सेल्स हो गया और आपके बेसल सेल्स हो गए। बेसल सेल्स में आपका क्या है, होल्ड फास्ट है यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो क्या होता है किसी भी सबस्टेटम से चिपकने में मदद करता है।